दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए साइंस एंड मैथ यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अपनी मनपसंद साइंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 26 महीनों में हमारी पृथ्वी और मंगल ग्रह एक दूसरे से सबसे नज़दीक दूरी पर होते हैं और यह दूरी लगभग 57 मिलियन किलोमीटर है। इस पीरियड के दौरान अगर नासा पृथ्वी पर से कोई यान को मंगल ग्रह पर भेजे जिसकी रफ्तार 56,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह यान लगभग 40 दिनों में मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब वह स्पेसक्राफ्ट एक सीधी रेखा में यात्रा करे, यानी कि इस समय के दौरान मंगल ग्रह और पृथ्वी एक दूसरे से बिल्कुल सीध में होने चाहिए। लेकिन अफसोस, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि स्पेस में यात्रा करना इतना आसान भी नहीं है। तो पृथ्वी से मंगल ग्रह की यात्रा के लिए असल में हमें कितना समय लगेगा, आइए जानते हैं। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह अपनी एक निर्धारित ऑर्बिट पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं और यही चीज हमारे लिए स्पेस यात्रा को कठिन बनाती है, क्योंकि पृथ्वी और मंगल ग्रह के पास एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, इसलिए पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच की दूरी हमेशा बदलती रहती है। मंगल ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट भेजने के लिए दोनों प्लैनेट को एक दूसरे के बिल्कुल सीध में रहना होगा। हमारी पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 1 साल लगता है, लेकिन मंगल ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में 1.9 यानी कि लगभग 2 साल लगते हैं। इसका मतलब जब तक मंगल ग्रह अपना एक ऑर्बिट पूरा करता है तब तक पृथ्वी 2 ऑर्बिट पूरे कर लेती है। नासा को मंगल ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट छोड़ने के लिए सबसे अच्छा समय हर 26 महीनों में एक बार आता है। इस समय के दौरान स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह तक पहुंचाने के लिए सबसे कम एनर्जी और सबसे कम फ्यूल इस्तेमाल होता है और इस बात को हॉमेन ट्रांसफ़र ऑर्बिट कहा जाता है। इस रास्ते में स्पेसक्राफ्ट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सफ़र तय करता है और इसी ऑर्बिट में वह मास के ऑर्बिट को इंटरसेक्ट करता है। स्पेसक्राफ्ट फ्यूल का इस्तेमाल करके स्पीड और वेलोसिटी को बढ़ाकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाता है और मंगल ग्रह के ऑर्बिट में घुसने के लिए वह और भी ज़्यादा फ्यूल खर्च करता है अपनी स्पीड को कम करने के लिए। और इसके बाद स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह पर उतर सकता है, लेकिन फिर भी इस सफ़र में लगभग 260 दिन यानी कि 8 से 9 महीने लग जाते हैं। बेसिकली स्पेसक्राफ्ट में केमिकल से बने हुए ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नासा और कुछ प्राइवेट कंपनीज और भी अच्छा फ्यूल बनाने की कोशिश कर रही हैं जिससे कि हम मंगल ग्रह पर और भी जल्दी पहुंच पाएँ, जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। इसका यूज़ करके स्पेसक्राफ्ट को एक्सेलरेट किया जा सकता है। स्पेसक्राफ्ट के पीछे से चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम छोड़ी जाएगी। दूसरा है न्यूक्लियस थर्मल प्रोपल्शन, इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन फिर भी हमें मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए कुछ महीने ज़रूर लगेंगे। तो दोस्तों यह थी एक शॉर्ट वीडियो कि कोई स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ।